अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है बहुत ही ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग, और आप लोगों को आने वाला है बहुत मज़ा, क्योंकि हम जा रहे हैं आज 20वां रोज़ा खोलने के लिए विद फैमिली विद सी व्यू। आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब मस्त कर दीजिएगा। हम निकल चुके हैं सारी फैमिली एक साथ, और जब भी हम लोग सब साथ कोई प्लान बनाते हैं कहीं जाने का तो हम लोग एक ही कार में जाते हैं, और वो मेरे भाई की अपनी खुद की गाड़ी है, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें हम लोगों को बहुत मज़ा आता है। और हमारा ये सफ़र शुरू हो चुका है, और आप लोगों को प्लीज़ हमारे ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। जी तो गाइस, हम सी व्यू पहुँच गए हैं, और सी व्यू पर हमें इतना ट्रैफिक, इतना रश मिला। हमें निकलने से पहले अंदाज़ा नहीं था कि सी व्यू पर जो है इतनी पब्लिक आई हुई होगी रोज़ा खोलने के लिए, क्योंकि जब हम कहीं जाने का प्लान करते हैं तो हमें लगता है कि एक हम ही हैं जो इस तरह जा रहे हैं। जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के शौकीन हैं। हम वहाँ पहुँचे, हमें पार्किंग भी काफ़ी देर में मिली और हमें जगह भी काफ़ी देर में मिली, लेकिन बट हमें मिल गए भी आखिर। लेकिन ये रश देख के हम ज़्यादा एक्साइटेड और हो गए कि चलो शुक्र है कि बहुत आवाम है, लेकिन आवाम इतनी थी, इतनी लग रही थी ऐसा तो कोई फेस्टिवल लगा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था और फैमिली सब साथ हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। जब हमें कोई अच्छी जगह मिल गई कि हम यहाँ बैठ सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने अपनी तैयारी शुरू करी, चादरें बिछाई, दस्तरखान बिछाए, और दस्तरखान वगैरह बिछाने के बाद फिर सब एहतमाम से बैठने लगे। फिर हमने अफ्तारी का सामान निकाला जो हम घर से बना के लेके गए थे, छोले, दही बड़े, स्पैगेटी और खरबूजा वगैरह, खजूर, शरबत, चाय वगैरह, ये हम सब ने हमने निकाली और इन सबको खाया, इंजॉय किया, अपना रोज़ा खोला और काफ़ी दुआएँ वगैरह भी मांगी। सी व्यू पे रोज़ा खोलने के बाद नमाज वगैरह पढ़ के, चाय वाय पीने के बाद हम लोग का प्लान बना हाइपर स्टार जाने का। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले और निकल के अपनी गाड़ी में बैठे और फिर सफ़र किया हाइपर स्टार का, क्योंकि सी व्यू से हाइपर स्टार का इतना डिस्टेंस नहीं है तो हम जल्दी पहुँच गए।
जी तो गाइस हम वहाँ पे बना रहे थे अपनी वीडियो वगैरह, जब हमें पता चला कि वहाँ पे आई हुई हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस मायरा खान और वो वहाँ पे अपने परफ्यूम का लॉन्च कर रही हैं, तो हम लोग वहाँ पे गए उनकी तरफ और उनकी काफ़ी पिक्चर्स और वीडियो वगैरह बनाई हम लोगों ने और उनको बहुत करीब से देखने का मौका मिला। गाइस मायरा खान को देख के बहुत खुशी हुई, उसके बाद हम लोग गए अपने वॉशरूम वगैरह पे फ्री वगैरह होने के लिए। फिर फ्रेशअप होने के बाद हम लोगों ने की ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग, और उसकी शॉपिंग की वीडियो अलाउ नहीं थी तो इस वजह से वहाँ की वीडियो कैप्चर नहीं कर सकी। फिर हम आ गए हाइपर स्टार के बाहर, वहाँ बैठ के हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और अपने आने की आगे जाने की प्लानिंग करी कि अब आगे हमें कहाँ जाना है। तो फिर हमारा प्लान बन गया डिनर का, अब हम डिनर के लिए गए थे मंदी हाउस भाद्राबाद, तो वहाँ पे गए हम लोग। वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है हमें कोई वेटिंग वगैरह नहीं मिली, हमें जाते ही वहाँ जगह मिल गई और हम लोग वहाँ पे जाके अपना ऑर्डर्स वगैरह करने लगे। जी तो गाइस ऑर्डर वगैरह करने के बाद हम लोग पिक्चर्स वगैरह में मसरूफ़ हो गए, थोड़ा रेस्ट वगैरह करके फिर हम लोगों का आ गया यहाँ पे ऑर्डर। ऑर्डर में हमने करा था चिकन टिक्का मंदी हमारी थी, हम सब ने वहाँ पे बैठ के खाना खाया और हमें बहुत ही मज़ा आया क्योंकि वहाँ की सिटिंग एरिया भी बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ के खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लगा वहाँ का खाना बैठ के खाना साथ में। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने काफ़ी देर वहाँ पे रेस्ट किया क्योंकि बिल वगैरह पे करने में इतना टाइम लगा, तो जब तक हम लोग वहाँ पे अपने बैठ के फैमिली गपशप करते रहे और उसमें हम लोगों ने काफ़ी आराम भी किया वहाँ बैठ के। और उसके बाद हम निकले बाहर और फिर वहाँ से निकल बनी आगे की प्लानिंग कि अब आगे कहाँ जाना है। और आगे जाने की प्लानिंग हमारी बनी कि अब हम जाएंगे रहमत शीरी पे, वहाँ के उनके कुल्फे खाने। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब फैमिली सब साथ हो तो प्लान पे प्लान बनते रहते हैं और मज़ा आता रहता है। आज का हमारा फुल दिन का प्लान था, तो पहले हम लोग आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ कि पहले हम सीव्यू पे रोज़ा खुलने गए, फिर हम हाइपर स्टार गए, फिर हम मंदी हाउस गए खाना खाने के लिए, और उसके बाद हमारा प्लान बना रहमत शीरी जाने का, जहाँ पे हमने बैठ के खाए कुल्फे और वहाँ से लिया अपने घर के सहरी वगैरह का सामान, जिनको जो लेना था उसने वो लिया और उसमें हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया क्योंकि ये हमारा लास्ट स्टे था कि अब हमें कहाँ रुकना है, इसके बाद हमें जाना था घर पर। और काफ़ी सब जो है अच्छी तरीके से थक भी चुके थे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। वहाँ से हम लोगों ने अपनी जो जिसको मिठाई लेनी थी, जिसको नाश्ता लेना था, जो कुछ लेना था सब ने लिया और उसके बाद हम लोगों ने कुल्फी वगैरह खाए। और इसको व्लॉग को मैंने यहीं से वाइंड अप करना है, तो प्लीज़ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब मस्ट कर दिया करें, प्लीज़ मेरे व्लॉग को फुल वॉच कर दिया करें। अगर आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट मुझे मिल गई तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता है, तो प्लीज़ 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 हेल्प मी, प्लीज़ सपोर्ट मी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।